स्वागत है सबका ICC डिफेंस एकेडमी में। इस वीडियो में हम बात करेंगे जो अभी रिसेंटली SSBs हुए हैं या फिर ACC 130 का जो SSB हुआ था उसमें ज़्यादातर कौन से लेक्चर टॉपिक्स पूछे गए थे, वो सारे लेक्चर टॉपिक्स हमने कैंडिडेट से पता करके आपके लिए वीडियो में कंपाइल करें। इस वीडियो में आपको उन सारे लेक्चर टॉपिक्स के बारे में पता चल जाएगा, ठीक है। और बाय द वे मैं बता दूं जिन कैंडिडेट्स को नहीं पता है उनके लिए कि लेक्चरेट जो है ये एक SSB का टास्क होता है, आपके GTO के अंडर आता है, जिसमें आपको 3 मिनट ओनली एंड ओनली इन इंग्लिश आपको किसी भी टॉपिक पे वहाँ पे टॉपिक्स दे दिए जाएंगे। उसमें से आप 4 टॉपिक्स में से एक टॉपिक आपको चूज़ करना और उस पे आपको लेक्चर डिलीवर करना होता है, ठीक है। तो अभी जैसे जो रिसेंटली SSB सेंटर्स में पूछे गए हैं ये टॉपिक्स आपको काफ़ी हेल्प करेंगे। सबसे पहले आपको इन्हीं टॉपिक्स को तैयार करना है, बिकॉज मे बी देर आर चांसेस कि आपको इन्हीं में से टॉपिक्स पूछे जाएँ, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं वीडियो लेक्चर विदाउट वेस्टिंग एनी ऑफ द टाइम, ठीक है। तो यहाँ पे आ जाते हैं वीडियो लेक्चर में। हम देख सकते हैं इंडिया मालदीव रिलेशन। और एक चीज़ और आप याद रखना कि जब भी कोई करंट हैपनिंग्स चल रही हो ना, तो रीसेंट हैपनिंग्स के बारे में ज़रूर वो लेक्चर टॉपिक आपको SSB में पूछा जाता है। वो इसलिए पूछा जाता है बिकॉज वो आपका एक ओपिनियन भी देखना चाहते हैं और आपका ये भी देखना चाहते हैं कि ये बंदा ऑफिसर तो बनना चाहता है बट वेदर ही इज़ अवेयर अबाउट डे टू डे हैपनिंग्स, जो कि इंडिया से रिलेटेड जो भी इंटरनेशनल या फिर नेशनल इश्यूज़ हैं उसके बारे में इसको जानकारी है कि नहीं है। तो इस चीज़ इसके लिए एक और चीज़ मैं बता दूँ, अगर आपको डे टू डे जानकारी चाहिए नेशनल इंटरनेशनल इश्यूज़ के बारे में, तो उसके लिए आप ACC डिफेंस अकेडमी का न्यूज़पेपर ग्रुप फॉर SSB भी ज्वाइन कर सकते हैं। उसमें हम डेली बेसिस पे आपको न्यूज़पेपर प्रोवाइड करते हैं, जिससे कि आप आराम से जब भी आपको फ्री टाइम मिले तो आप उस न्यूज़पेपर को पढ़ सकते हैं, PDF फॉर्म में मिलता है वो, ठीक है। अब बात करते हैं लेक्चर टॉपिक्स की, इंडिया मालदीव रिलेशंस, उसके बाद में इंडिया ईरान रिलेशंस ये भी पूछा गया रिसेंटली, इंडिया की फॉरेन पॉलिसी बिकॉज जो हमारे एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर हैं सुब्रमण्यम जयशंकर साहब, उनकी वजह से हमारी फॉरेन पॉलिसी में काफ़ी चेंजेस आए थे तो उसके बारे में, इंडियन रेलवेज, वन नेशन वन इलेक्शन के बारे में बिकॉज इलेक्शन हुई थी रिसेंटली, DRDO के बारे में, इस तरह से इसरो के बारे में भी मैं आपको कहूंगा कि आप तैयार कर लेना। और मेन चीज़ यह है जिसके साथ इंडिया की ज़्यादा एंगेजमेंट है, कंट्रीज़ का अगर मैं बात करूं, इंडिया रशिया रिलेशंस, इंडिया US रिलेशन, उसके बाद इंडिया चाइना रिलेशन, इंडो पाकिस्तान रिलेशन, इंडिया श्रीलंका, इंडिया बांग्लादेश रिलेशन, ये तो आपको एवरग्रीन टॉपिक्स हैं, ये तो आपको आने ही चाहिए, ठीक है, इनको तैयार करना ही करना है। उसके बाद में डिजिटल इंडिया इंपॉर्टेंट है, स्टार्टअप कल्चर इन इंडिया ये भी रिसेंटली SSB में पूछा गया था लेक्चर टॉपिक, क्योंकि अभी आपको पता है कि प्राइवेटाइजेशन पे बहुत ज़्यादा जोर दे रही है ये वाली गवर्नमेंट एंड एट द सेम टाइम स्टार्टअप्स बंदे बहुत स्टार्ट कर रहे हैं बिकॉज एम्प्लॉयमेंट में दिक्कत आ रही है, ठीक है ना, मतलब एम्प्लॉयमेंट जनरेशन नहीं कर पा रही है वो सरकार। इंडिया US रिलेशन, उसके बाद में जैसे कि मैंने आपको बताया था इसरो इंपॉर्टेंट है, तो आप देख सकते हैं यहाँ पे इसरो भी पूछा गया है। उसके बाद में नेक्स्ट आ जाता है बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन, फिर वंदे भारत करके ऐसे भी आ सकता है, या इंडियन रेलवेज़ के अंडर आप वंदे भारत का मेंशन कर सकते हो, बुलेट ट्रेन इंडिया कब आएगी, रोड नेटवर्किंग इन इंडिया बिकॉज रोड्स पे काफ़ी ज़्यादा जोर दे रही है ये वाली सरकार, तो रोड नेटवर्किंग इन इंडिया ये वाला आ सकता है। उसके बाद में नेक्स्ट में अगर बात करूँ मेक इन इंडिया, उसके बाद डिजिटल इंडिया भी आपको तैयार करना चाहिए, साइबर बुलिंग साइबर क्राइम ये बहुत जो है अभी रीसेंट हैपनिंग्स हैं इनके बारे में होना चाहिए, IT इंडस्ट्री के बारे में, फिर उसके बाद में न्यूक्लियर एनर्जी के बारे में ये आया था अभी, उसके बाद में सोलर एनर्जी जिस पे बहुत ज़्यादा जोर दे रही है हमारी प्रेजेंट गवर्नमेंट, तो सोलर एनर्जी के बारे में आपको पूछा जा सकता है। उसके बाद में नेक्स्ट आ जाता है ग्रीन एनर्जी, ग्रीन एनर्जी के बारे में आपको पूछा जा सकता है, ग्रीन एनर्जी मतलब जो ई व्हीकल्स ई रिक्शाज वगैरह ये सब चल रहे हैं अभी, है ना, तो ई व्हीकल्स के बारे में पढ़ के ज़रूर जाना बिकॉज अभी लाइमलाइट में ये चीज़ें। उसके बाद में इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, तो इलेक्शन से रिलेटेड भी अच्छा खासा होमवर्क करके ही जाना बिकॉज इलेक्शन से रिलेटेड भी आपको वहाँ पर वो पूछ सकते हैं ऐसे जो आपको वहाँ पर पूछा जाएगा, ठीक है। उसके बाद में आपका नेक्स्ट यहाँ पे हम अगर बात करें नेक्स्ट ये जो टॉपिक्स थे यहाँ पे मैंने आपको अप्रॉक्स 15 to 20 टॉपिक्स बताए हैं, ठीक है, तो आपके लिए यही असाइनमेंट है अभी कि ये जो सारे टॉपिक्स हैं अगर आपको वन बाय वन इन पे वीडियो लेक्चर्स भी चाहिए,
ठीक है, तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करें, हम लोग आपके लिए उतना बढ़िया SSB का कंटेंट लेके आएंगे यहाँ पे ACC डिफेंस एकेडमी यूट्यूब चैनल पे। और बाय द वे, जो SSB फुल SSB कोर्स में हमारे कोर्सेज में भी ऑनलाइन बैचेस जो चलते हैं उसमें जो कैंडिडेट्स एनरोल्ड हैं तो उनको फ्री ऑफ कॉस्ट पूरे PDFs भी लेक्चर टॉपिक्स के मिलते हैं, एंड PDFs के साथ में जो हैं लेक्चर्स भी मिलते हैं जो कि आप अपने टाइम के हिसाब से उनकी जो है अपनी पेस पे तैयारी कर सकते हैं। ठीक है, तो मैं आपको बता दूं कि ये आपके पास भी अपॉर्चुनिटी है कि जो कैंडिडेट्स अभी ACC 131 का मेनली ACC 131 के जो SSB देंगे कैंडिडेट्स उनके लिए एक बहुत गुड न्यूज़, अच्छी न्यूज़ ये है कि अब आप बिना लीव के भी अपनी SSB प्रिपरेशन कर सकते हैं। वो कैसे? वो आप कर सकते हैं ऑनलाइन SSB कोर्स जो कि ACC डिफेंस एकेडमी का है उसको ज्वाइन करके। इसमें आप अगर ज्वाइन करते हैं आपको फुल जो है यहाँ पे कंटेंट मिलेगा PDF फॉर्म में, जो लेक्चर टॉपिक्स हो गए या फिर GD के टॉपिक्स वो सारा तो मिलेगा ही मिलेगा। उसके साथ में आपकी लाइव क्लासेस जो प्रैक्टिस सेशंस रहेंगे वो डेली रात में 9 बजे से 11 बजे चलेंगे, बिकॉज मोस्टली सर्विस कैंडिडेट्स नाइट में फ्री होते हैं। और ये जो लाइव क्लासेस होंगी इनकी आपको रिकॉर्डिंग्स भी मिलेंगी, और साथ ही साथ आप जैसे ही कोर्स ज्वाइन करेंगे इस SSB कोर्स में आपको हम फुल Stage 1 कवर करवाएंगे, जिसमें आपका OER PPNDT हो गया, जिसमें आपका स्टोरी राइटिंग नरेशन ये सारी चीज़ें उसमें कवर्ड रहेंगी। ठीक है, और बड़ी चीज़ तो ये है कि इंडिविजुअली हर एक कैंडिडेट को इस कोर्स में फीडबैक दिया जाएगा। आप ऑल ओवर द इंडिया कहीं भी पता कर लीजिए, कहीं भी कोचिंग आपने अगर ली होगी या लेंगे तो यू विल गेट टू सी के बस वहाँ पे प्रैक्टिस सेशंस करवा के छोड़ दिया जाएगा। हर एक एक कैंडिडेट को अलग से जो है वर्कआउट नहीं करवाया जाएगा, उसकी स्ट्रेंथ उसकी वीकनेसेस उसको सारा जो है फीडबैक नहीं दिया जाएगा। तो मैं आप सबको बता दूँ यहाँ पे ये ACC डिफेंस एकेडमी ही है जो कि आपको हर एक एक्टिविटी के बाद फीडबैक भी प्रोवाइड करेगा, और साथ ही साथ आपका फुल SSB Stage 1 के साथ साथ में आपका जो SSB में TAT VAT SRT SD ये सारी चीज़ें हम यहाँ पे कवर करवाएंगे। उसके साथ में आपके पर्सनल इंटरव्यूज कंडक्ट होंगे, GTO के इंटरेक्टिव सेशंस होंगे मॉडल्स के थ्रू। और बड़ी चीज़ तो ये है कि इस कोर्स में अगर आप अभी ज्वाइन करते हैं तो हम आपको इंग्लिश स्पीकिंग की भी क्लासेस फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड करेंगे, बिकॉज इंग्लिश स्पीकिंग या फिर कम्युनिकेशन स्किल आप कुछ भी कहें ये आपके लिए बहुत एक इंपॉर्टेंट पार्ट प्ले करता है। ठीक है, तो अभी के अभी हमें व्हाट्सएप करें 8120745966 पे, सारी डिटेल्स हम आपको प्रोवाइड कर देंगे। और इसी तरह जैसे कि ये हमारे प्रीवियस बैचेस के कैंडिडेट्स जो रिकमेंड हुए हैं ACC एंट्री में, आप भी रिकमेंड हो सकते हैं और अपना अफसर बनने का सपना आप भी पूरा कर सकते हैं। तो अभी के अभी हमें व्हाट्सएप करें 8120745966 पे फॉर फुल डिटेल्स ऑफ ऑनलाइन SSB कोर्स, और या फिर आप डायरेक्टली ACC डिफेंस एकेडमी की एप्लीकेशन डाउनलोड करें, वहाँ पे फुल SSB कोर्स में ज्वाइन करें। बट ज्वाइन करने से पहले मैं आपको एक चीज़ बता दूं, अभी एक ऑफर चल रहा है एप्लीकेशन में जिधर आप कूपन कोड यूज़ करना SSB 1000, जिससे आपको 1000 रुपीज़ का भी डिस्काउंट भी मिल जाएगा। ठीक है, तो ये आपके लिए बहुत ही इस टाइम पे मैं कहूँगा कि एक बेनिफिशियल आपके लिए डील रहेगी, बिकॉज आपको अगर SSB की तैयारी करनी है तो अगर अभी से आप स्टार्ट करेंगे तो ही आपको बेनिफिट होगा। लास्ट के 10 दिन 15 दिन तैयारी करने से कुछ नहीं होने वाला है, बिकॉज ये एक पर्सनैलिटी असेसमेंट टेस्ट है, और जो जो कैंडिडेट्स हमारे प्रीवियस बैचेस में भी शुरुआत से रहे हैं एट द एंड उनके रिजल्ट्स पॉजिटिव ही आए हैं, एट द एंड वो कैंडिडेट ही रिकमेंड हुए हैं। तो आप सबसे यही रिक्वेस्ट है, यही आपको मैं एडवाइस करूंगा कि बढ़िया से अभी से अपनी SSB तैयारी शुरू कर लो, सो दैट कि आपका जो अफसर बनने का सपना पूरा है उसे आप प्रदेश में पूरा कर पाएं, सिर्फ कागजों में या फिर बस बोलने के लिए नहीं रह जाए। सो थैंक यू सो मच, और अगर आपको वीडियोस हमारे यूजफुल लग रहे हों तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए ACC डिफेंस एकेडमी यूट्यूब चैनल को, और किस टॉपिक पे आपको SSB से रिलेटेड वीडियोस चाहिए तो काइंडली कमेंट देयर इन द कमेंट बॉक्स। सो थैंक यू सो मच एंड जय हिंद टू ऑल फ्यूचर ऑफिसर्स।